ये सब क्या है जी? आप ही ने कहा था ना कि मुझे दूसरी शादी करनी है, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाओ, तो ये तस्वीरें लाया हूँ। अब इन लड़कियों में से डरते रहे कि ये लड़कियां हैं, गांव की गंवार छोकरियां बटोर लाए हो। एक से एक सुंदर है जी। जी हाँ, तुम्हारी आंखों में तो सभी सुंदर नजर आएंगी, कहीं तुम्हें साड़ी पहनकर ये तस्वीरें तो नहीं खिंचवा ली? इस उम्र में दूसरी शादी करने का मैंने क्यों सोचा जी? शक तो मुझे भी हुआ था। क्यों, बाल एकदम सफेद हो गए इसलिए? अरे उम्र 55 की होगी लेकिन दिल अभी तक बचपन का है। सरकार ये तो मैं जानता हूँ, पर परवर क्या, रोटी पकाने या बच्चे पैदा करने के लिए मैं ये शादी नहीं कर रहा। मैं तो पहले ही 6-6 बच्चे पैदा करके टायर्ड एकदम थक गया। तो फिर ये शादी कर क्यों रहे हैं? हाँ ऐसा पूछो। लो बताता हूँ, अब जो लड़की आएगी उसे सीधा उठाकर यहाँ बिठा दूं और उसके सामने हाथ बांधे यूं खड़ा टकटकी लगाए उसे देखता रहूंगा, बस और कुछ नहीं। 24 घंटे 24 आवर्स जिसे तकता और तक तक कर मुस्कुराता रहूं। उस रूपवती का रूप कैसा होना चाहिए आप ही बता दीजिए। अरे बुद्धू, उसके लिए जौहरी की आंख चाहिए, जौहरी की। जो सूरत हो तो ब्यूटी क्वीन सहरा बानो की तरह जी। और कमर, कमर कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? अरे पगले, बिल्कुल हेलन की तरह। हेलन की तरह? और चाल, आह वैजयंती माला की तरह। मेरा मतलब है कि टोटल इफेक्ट में बिल्कुल पद्मनी, पद्मनी। जाओ 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 लेकर आओ। पर बाबूजी, ऐसी रूपवती लड़की आपके साथ शादी करेगी? नहीं तो क्या, आपके साथ करेगी? ब्यूटी यानी कि खूबसूरती का कदरदान इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई है? कोई नहीं सरकार, कोई नहीं। अरे ओ बेटा, कहाँ है तू? हाँ हाँ यहाँ हूँ, लेकिन जब मैं कोई जरूरी काम करता रहता हूँ तुम इस पलटन को लेकर यहाँ क्यों आटपकती हो? अरे कुछ नहीं बेटा, ये बच्चे मेरी जान खा रहे हैं कि हम सिनेमा देखेंगे। ये बच्चे कह रहे हैं कि हम सिनेमा देखेंगे? नहीं तो और क्या, मैं कह रही हूँ। मैं अच्छी तरह समझता हूँ माँ, इस उम्र में सिनेमा देखोगी, नाटक देखोगी, सर्कस देखोगी। तू तो मुझे ही सुनाता रहता है। मैंने सोचा बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, सिनेमा के बहाने ही जरा इन्हें बाहर घुमा कर लाऊं। बहाना अच्छा ढूंढा। भैया जाने दीजिए ना, बड़ी अच्छी पिक्चर है, टार्जन की है, बच्चे खुश हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, देखा हो आज, हमेशा तंग करते रहते हैं। ये लो जाओ। थैंक यू भैया। जाओ माँ जाओ, तुम भी जाओ। बाबूजी, ये लड़की आपकी बहन है ना? हाँ। तो इसके लिए भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढ। वाह क्या आदमी हो, धंधे की बात बिल्कुल नहीं भूलते। मैंने कहा लड़की ढूंढ कर लाओ और तुम्हें लड़का की पड़ गई। अरे जाओ, अपनी आंखों में कोई अच्छा सा चश्मा लगाकर सारे शहर का चक्कर लगाओ और जैसा मैंने कहा है वैसी ही लड़की ढूंढ कर लाओ, समझे? जाओ आज ही लीजिए। और सुनो जी, मेरी शादी के बारे में इस घर में न मेरी माँ को, न बहन को, न भाई को, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अगर मेरे भाई रतनलाल को पता लग गया तो बस एकदम ब्रेक लगा देगा। बाबूजी मैं इतने दिनों से इस घर में आ जा रहा हूँ लेकिन मैंने तो आपके भाई साहब को कभी देखा नहीं। अरे हाँ है एक मेरा छोटा भाई, लेकिन सूरत शक्ल दिलो दिमाग सब में मुझसे उल्टा, घर में रहना नहीं चाहता इसलिए टैक्सी चलाता है, टैक्सी।